नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है इनसे मिलिए में आज हमारे साथ हैं बिहार की रहने वाली और हिंदी फिल्मों में तेजी से अपनी पहचान बना रही अभिनेत्री पलक सिंह चांदनी। तो आइए जानते हैं पलक सिंह चांदनी से कि कैसे पटना से मुंबई तक का उन्होंने सफर तय किया और क्या कुछ कठिनाइयां इनके सामने आई। पलक जी, सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। जब मैं स्टार्ट करी थी, स्ट्रगल शुरू मेरा हुआ था करना, तब मेरे को लगा था कि बहुत मुश्किल है, मैं कैसे क्या कर पाऊँगी, थोड़ा कठिन लगा। पर मेरे पापा मम्मी मेरे पेरेंट्स लोग काफ़ी मेरे सपोर्ट किए, मेरे को हिम्मत दिए, तो मुझे लगा नहीं जब ये लोग मेरे सपोर्ट में हैं तब तो मुझे कुछ कर दिखाना चाहिए। तो मुझे यह सलाह है कि जिसके साथ सपोर्ट होता है वो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है सफल अभिनेत्री बनने के लिए? मैं तो ये नहीं कहूँगी कि पढ़ा लिखा ज़्यादा बनना, मतलब एक होता है ना कि ज़्यादा पढ़ाई ही होगा तभी आप ये काम कर सकते हो, तो ये हमारे लाइफ में मायने नहीं रखता है। बट हाँ, आप उतना तक पढ़ो जितना तक आपको हर चीज़ की नॉलेज हो। पलक जी, सबसे पहले आपको किस फिल्म में? सबसे पहले मुझे सहनाई बजे ना बजे में देखिएगा, जो अभी आने वाली है। जी, जो आने वाली। उसके बाद आपने बहुत सारे हिंदी एल्बम किए जिसकी काफी कुछ चर्चा हो रही है पंजाबी गायकों के साथ, राजस्थानी गायकों के साथ, कैसा अनुभव रहा? जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और जब काम में स्टार्ट करी थी तो काम करने में बहुत मजा भी आया। और ऐसे जो हमारे एल्बम है उसमें जो सुमित सरकार जी है उन्होंने बहुत सारे सिंगिंग करी है, और वीना सिंह है, मतलब बहुत ऐसे गायक हैं जैसे प्रदीप नारायण सिंह है जो हमारे फिल्म के प्रिंट में मतलब गाना गाने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो छोटे शहरों की लड़कियां जब बड़े सपनों को लेकर मुंबई जाती हैं, क्या कुछ कठिनाइयां? जी, उस टाइम तो थोड़ा मुश्किल लगता है कि मैं कैसे इस रास्ते पर जब स्टार्ट करी हूँ चलना तो क्या मैं चल पाऊंगी या फिर रुक जाऊंगी, किसी कारण मतलब पीछे हट जाऊंगी, तो थोड़ा मुश्किल लगता है। बस वो सपना जैसे ही पूरा होने वाला होता है या पूरा हो चुका होता है तब तो मतलब अंदर से जो खुशी होती है वो मैं बयान नहीं कर सकती। आपके सामने कोई ऐसा यादगार पल जब आपको लगा होगा अंदर से कि काश मैं भी किसी बड़े स्टार की बेटी होती, एक आम लड़की का जो सपना होता है हीरोइन बनना, तो कठिनाई आती है सबसे पहले? नहीं, ये मेरा सपना था कि मैं इस चीज़ को हासिल करूं, बट मेरा ये सपना नहीं था कि मैं किसी भी बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करूं। कैसा अब लग रहा है जब आपको बहुत सारी फिल्में मिल रही हैं? जी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और आज की डेट में आई एम सो हैप्पी। और मैं चाहती हूं कि मैं जो भी सपना देखी हूँ मैं उसको पूरा करूँ, और मेरे जब फैमिली मेरे सपोर्ट में है तो मेरे को नहीं लगता कि मैं ये चीज़ पूरा नहीं कर सकती। ग्लोबल राज फिल्म ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए आपको साइन किया, कैसा अनुभव लग रहा है? जी, बहुत अच्छा अनुभव। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी नई लड़कियों को जो फिल्मों में आना चाहती है? अगर नई लड़कियां फिल्म में आना चाहती हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, आप आ सकती हैं, कर सकती हैं, क्योंकि अगर वो आपका सपना होगा तो आप अपने सपने को हासिल कर सकती हैं। और किसी भी रास्ते पे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, अगर आपका वो लक्ष्य है तो अपने लक्ष्य तक को हासिल करें और जरूर करें। एक शब्द है कॉम्प्रोमाइज, ऐसे लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि जो भी लड़कियां हैं उन्हें गलत रास्ते, जो हीरोइन बनती हैं या आर्टिस्ट हैं उनको कई गलत लोगों के सामने से गुजरना पड़ता है, कि आपके सामने कभी ऐसे अनुभव आए? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा होता है, बहुत लोग मतलब कहते भी हैं, करते भी हैं, पर मैंने आज तक जहाँ भी गया तो मेरा कहना है कि आज की डेट में पैसे तो मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है कि पैसे देते भी हैं और उस चीज को पा नहीं पाते हैं, मतलब हासिल नहीं कर पाते। आपका मानना है कि गंदे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं? अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी हैं, लेकिन मेरे साथ जो हुआ तो काफी अच्छे लिंक मिले, काफी अच्छे सपोर्ट मिले, जो कि मेरे साथ तो आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो अच्छा भी करते हैं और बुरा भी करते हैं। नई लड़कियां जो हीरोइन बनना चाहती हैं, बिहार यूपी से आना चाहती हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि टैलेंट के बल पे आगे बढ़ो, या कहीं ना कहीं कुछ है कोई लोग हैं जो आपको स्टार बना देते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर आपके साथ कोई गॉडफादर है जो आपका अच्छी तरह से दिल से सपोर्ट करते हैं तो आप बिल्कुल उनके साथ रहें, उनके साथ आगे बढ़े। और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी, अगर आपके पास टैलेंट है, सारा कुछ है, तो आप कॉम्प्रोमाइज जैसी जो बात होती है, शब्द होती है, प्लीज उससे दूर रहें। पलक सिंह चांदनी को आने वाले महीनों में, वर्ष में किस रूप में हम देखें?
अब मैं इसके बारे में क्या बोलूं, बट आप लोग की दुआ रहेगी, सपोर्ट रहेगी, तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगी। ये थी पलक सिंह चांदनी, और इनका मानना है कि इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, आपको फैसला करना है कि आपको किस रास्ते पे चलना है। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत के साथ इसी कार्यक्रम में इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।